नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। फर्रुखाबाद में ईस्टर के दूसरे दिन ईस्टर मिलन समारोह के रूप में CNI चर्च बढ़पुर के चर्च परिसर में मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में ईसाई समाज के लोगों ने अपनी अपनी खाने पीने की चीजों की दुकानें सजाई और लकी ड्रॉ करवाकर विजेताओं को पुरस्कार भी दिए गए और अतिथियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मसीही समाज के लोगों ने बताया कि ये मेला परंपरागत हर साल ईस्टर के दूसरे दिन लगाया जाता है। यहाँ पर सभी अपने आपस में गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे से गले मिलकर ईस्टर की शुभकामनाएं देते हैं और मेले का पूरा आनंद लेकर लुत्फ उठाते हैं। तो वहीं बच्चे और बड़े सभी इस दिन बहुत उत्साहित होकर खाने पीने की खरीद का पूरा लुत्फ उठाते हैं। मेले का समापन पादरी जयपाल मैसी ने प्रार्थना के साथ किया। देखिए यहां पर लोगों ने क्या कुछ कहा। देखिए फर्रुखाबाद से आदर्श उत्तम की रिपोर्ट। ये बेटा क्यों लगा गया है मेला? ये ईस्टर की खुशी में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस की खुशी में ये प्रतिवर्ष CNI बढ़पुर चर्च में लगता है। ईस्टर के एक दिन के बाद, यानी संडे को ईस्टर था, उसके बाद आज मंडे को ये मेला यहाँ लगता है। आज आप मेले के बारे में कुछ बताइए, मेला क्यों लगाया गया? ये मेला इसलिए लगाया गया कि ईस्टर के बाद खुशी के तौर पर हम लोग ये मेला लगाते हैं। ये मेला ईस्टर के उपलक्ष्य में लगा है, जो की गुड फ्राइडे के ठीक तीसरे दिन ईस्टर मनाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा जी उठने की खुशी में। तो इसलिए हर साल हम ये मेला लगाते हैं, जिसमें हम सभी लोग आते हैं, ईस्टर मना रहे हैं। ये हम लोग जीसस क्राइस्ट के जी उठने के उस पे ईस्टर त्योहार मनाते हैं और हमारे ये ईसाई समुदाय के लिए ये मेला होता है, उसमें हम सब क्रिश्चियन मिल के पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी अपनी स्टॉल लगाते हैं। हमारे लगा है खुदावन सर। ये आज जो मेला लगा हुआ है, ये किस उपलक्ष्य में लगा है? ये मेला जो है हमारे क्रिश्चियन समाज का है, जो ईस्टर पर्व के उपलक्ष्य में है, यानी प्रभु यीशु मसीह के फिर से जीवित होने के उपलक्ष्य में है। और कल के दिन में सभी लोग बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन इधर उधर भाग दौड़ रहती है, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोग फिर से एक जगह पर सभी चर्चेज के जो है एक साथ इकट्ठे होते हैं। कल के दिन जो अपने अपने चर्चेज में अलग अलग थे, लेकिन ये भरपूर चर्च में ही मनाया जाता है और सारे क्रिश्चियंस लोग और ऑल्सो चर्च, सिटी चर्च, रखा चर्च और क्राइस्ट चर्च और भरपूर चर्च, सभी चर्च के लोग जो है आपस में आते हैं और खाने पीने की चीज़ों का लुत्फ उठाते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और बड़ा आनंद और खुशी इस पर्व के उपलक्ष्य में मनाते हैं। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ASB न्यूज़।